हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सी अबाउट क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स से लेसन फर्स्ट है रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, जिसकी आज हम प्रैक्टिस सेट 1.1 देखने वाले हैं। सो क्वेश्चन फर्स्ट है, शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन पर नीचे दिए गए कुछ नंबर्स आपको बताने हैं और सेपरेट लाइन निकालनी है हर एग्जाम्पल के लिए। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है 3/2, 5/2 और -3/2। अब स्टूडेंट्स, इसके लिए हमको क्या करना होगा, हमको पहले नंबर लाइन ड्रॉ करनी होगी। चलो नंबर लाइन हम ड्रॉ करेंगे। तो देखो, ये नंबर लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है, ठीक है। उसमें हम ज़ीरो लेंगे, ओके। सपोज़ यहाँ पर लिया मैंने ज़ीरो, और इक्वल डिस्टेंस पर हमको क्या करना होगा, इक्वल डिस्टेंस पर हमको नंबर्स लेने होंगे। नंबर लाइन की प्रॉपर्टी ये है कि सभी नंबर्स एक मेक से कहाँ पर रहते हैं, अपने पास वाले नंबर के इक्वल डिस्टेंस पर रहते हैं। सो इसलिए एक एक सेंटीमीटर का मैं डिस्टेंस ले रहा हूँ, ओके। सो ये 1-1 सेंटीमीटर का मैंने डिस्टेंस ले लिया है, ओके। आ रहा है समझ में? चलो इसको नंबर दे देंगे हम 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, और ये लेफ्ट साइड है ज़ीरो की, इसलिए इसको माइनस देते हैं। समझ में आ रहा है? अब जो डिनोमिनेटर पर अगर ध्यान रखो आप, डिनोमिनेटर में जो नंबर होगा, इसका मतलब है कि उतने पार्ट्स, उतने भाग, उतने डिवीजन आपको इधर करने हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, डिनोमिनेटर में 2 है ना, इसका मतलब है 0 और 1 में कितने पार्ट है, 2। आया समझ में? ये उतने पार्ट्स है, और ऊपर का मतलब क्या होता है, कितने पार्ट सिलेक्ट किए, ओके। आ रहा है समझ में? अब ये टोटल पार्ट्स कितने हैं, 2। तो हमको क्या करना होगा, 0 और 1 में अगर आपने एक डॉट ले लिए तो ये हो गया एक पार्ट और ये हो गया सेकंड पार्ट, हो गए ना 2 पार्ट्स। इसलिए हमको क्या करना होगा, एक 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 बीच में हमको जगह दे देनी होगी, डॉट दे देना होगा, जो कि अब हर जगह 2-2 पार्ट्स हो गए। अब पहले क्या करें, 2 पार्ट्स में से कितने पार्ट सिलेक्ट किए हैं, 3। तो ये हो गया ये 1, अब कौन सा है, प्लस है, सो इसलिए 0 के ये साइड, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, यानी ये पॉइंट क्या होगा, 3/2। आ रहा है समझ में आप? तो ये हो गया नंबर बच्चों 3/2, ओके। उसके बाद है 5/2, तो 3/2 तो होगा, ये फिर 4/2 और ये है कितना, 5/2, ओके। आया समझ में? और उसके बाद है -3/2, तो अब माइनस है इस साइड में, सो ये हो गया 1/2, ये हो गया 2/2, ये हो गया 3/2, सो ये हो गया 3/2 और ये है माइनस में, सो ये -3/2। तो स्टूडेंट्स, ऐसे टेक्निक से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। चलो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम। सो ये सेकंड एग्जांपल है 7/5, -2/5, -4/5। इसके लिए भी चलो नंबर लाइन ड्रॉ कर ही लेते हैं। ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी है, यहाँ पर दे देता हूँ मैं 0, ओके, और इक्वल डिस्टेंस पर मैं नंबर्स ले लेता हूँ। सो अब स्टूडेंट्स, अगर मैंने 1 लिया सेंटीमीटर, तो यहाँ पर कितने पार्ट करने हैं, 5, तो बड़ा बड़ा पार्ट होगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ, अब 2 लेता हूँ, 2, यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, ओके। सो ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये -1, -2, -3। क्या किया मैंने, मैंने 2 सेंटीमीटर लिया, क्योंकि अब इसके कितने पार्ट होंगे, 5 पार्ट। 5 पार्ट जब होंगे तो हमको क्या करना होगा, थोड़ी सी जगह दिखनी होना दिखनी चाहिए ना। अब देखो 1 सेंटीमीटर में कितनी छोटी छोटी हो रही थी, अब हमको क्या करेंगे, हम अब 2 सेंटीमीटर लिए, तो अब कितने पार्ट करने स्टूडेंट्स, 5। सो अब देखो, मैंने 2 सेंटीमीटर लिया है, तो बीच में कितने लाइंस आ गए होंगे, 20, और 5 लेने होंगे तो कितने करना होगा, 4, तो ये 1, ये 2, 3, 4, 4 सेंटीमीटर के हमको, यानी मिलीमीटर के, 4 मिलीमीटर के इक्वल पार्ट्स करने होंगे, क्योंकि ये भी इक्वल पार्ट में ही रहते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये हो गए 1, 2, 3, 4, 5, ये फिफ्थ पार्ट, यानी आ रहा है ना समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ। तो देखो, 0 से 1 मैंने कितने लिया, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर मतलब 20 मिलीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मीटर हो, मिलीमीटर होता है। उसके कितने पार्ट करने हैं, 5, तो 5 से डिवाइड करो, 5 × 4 = 20, 4 मिलीमीटर का एक ब्लॉक होना चाहिए, तो वही कर रहा हूँ मैं, 4 मिलीमीटर का एक ब्लॉक ले रहा हूँ। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे 0 रखा, तो ये देखो स्टूडेंट्स, 4, ये 8, ये 12, 16, 20, ओके। ऐसे ही आप ये भी 4, 8, 12, 16, 4, 8, 12, 16,
और ये भी आगे देखेंगे अगर उसमें आया तो वो भी कर लेंगे हम। यहाँ पर भी 4, 8, 12, 16, फिर 4, 8, 12, 16, ये 20। ओके ये तो रहने दो। सो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। एक बात तो समझ में आई स्टूडेंट्स कि जितने पार्ट्स अगर बोले हैं ना डिनोमिनेटर में उतने पार्ट्स करना होगा तो एक नंबर कम आएंगे उतने लाइंस। देखो 5 पार्ट बोले तो 4 लाइंस आए बीच में, क्योंकि फिफ्थ लाइन कौन सी है अगले नंबर की। अब उसमें बताना है हमको 7, सो फिर ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हो गया 7/5। फिर -2/5 ये साइड, तो 1, 2, -2/5 ये हो गया -4/5। सो 1, 2, 3, 4 -4/5 है क्या नहीं इजी। तो नंबर लाइन अगर आपको समझ गई तो फिर कोई बात की प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन जाते हैं। उसके बाद है थर्ड एग्जांपल है हमारे पास -5/8 और -11/8। सो इसके लिए भी चलो नंबर लाइन ड्रॉ कर ही लेते हैं। ओके सेंटर में 0 दे देता हूँ, एक्चुअली सेंटर तो लाइन का कोई सेंटर रहता नहीं है, हमको सिर्फ दिखने के लिए अपन सेंटर का यूज़ करते हैं। और अब मैं करता हूँ 4-4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेता हूँ मैं 4 सेंटीमीटर का, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा इजी जाएगा। ये लिया मैंने 4 सेंटीमीटर इधर और ये लिया मैंने 7, 1, 2, 3, 4, ये है 11। तो ये कितना हो गया +1, ये हो गया -1, ठीक है। उसके अंदर अब ये 4 सेंटीमीटर का मैंने जब डिस्टेंस लिया है तो उसके कितने पार्ट होंगे, 8 पार्ट, यानी 40 मिलीमीटर, 4 सेंटीमीटर मतलब उसके 8, 8 5 40, सो 5 मिलीमीटर का एक आएगा। सो 1, 2, 3, 4, 5, अरे सॉरी मैंने तो इसको 3 ही लिया था, ये इधर ये 4। सो ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 8 पर क्या आएगा -1। और इधर भी वैसे ही देखो 0 पर रख के बताता हूँ, देखो 5 मिलीमीटर 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 8, और ऐसे ही 5 मिलीमीटर आगे आगे जाते रहेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आगे आगे भी जाते रहेंगे, यहीं यहाँ पे भी जाते रहेंगे आगे आगे 5 मिलीमीटर 5 मिलीमीटर। ओके अब क्वेश्चन है -5/8, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, ये है -5/8। उसके बाद 11/8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये हो गया 11/8। उसके बाद है 13/10 -17/10। ओके सो चलो उसको भी ड्रॉ कर लेते हम। ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी है, ये दे दिया हूँ मैंने 0, और मैं एक काम करता हूँ मैं लेता हूँ 4। ओके सो 4 सेंटीमीटर लेंगे हम, 1, 2, 3, 4, फिर ये 1, 2, 3, 4, 4 सेंटीमीटर 1, 2, 3, इधर 4 बहुत दूर जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया +1, ये हो गया -1, 4 सेंटीमीटर यानी कि 40 मिलीमीटर, और कितने पार्ट करने हैं 10, यानी कि एक पार्ट कितने का होगा 4 मिलीमीटर का। सो 4 मिलीमीटर के हम पार्ट ले लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स 4, 8, 4, 3, 12, 16, 20, 4, 8, 12, 16, 20, इधर भी 4, 8, 12, 16, 20, 4, 8, 12, 16, 20, इधर भी 4, 8, 12, 16, 20, ये 16, 12, 8, 4, ये 1। तो ऐसे हमको पार्ट बनाना पड़ता है। उसके बाद है 10 पार्ट में से +13 लेना है, सो ये 1/1 मतलब कितना हो जाता है 10/10, इसमें 3 ऐड कर दो 1, 2, 3, ये कितना हो गया 13/10। और उसके बाद है -17/10, तो ये है 10/10, 11, 12, 13, 14, 15, इधर 16, ये 17, इधर आएगा वो 17 बाय
टेन माइनस 17 बाय 10। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, उसका कुछ एग्जांपल होप करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है इसी प्रैक्टिस सेट में। तो ये थी हमारी प्रैक्टिस सेट 1.1, ये है सेकंड क्वेश्चन। ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड आंसर द क्वेश्चन। नंबर लाइन को आपको ऑब्जर्व करना है और क्वेश्चन के आंसर्स हमको देने हैं। तो जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी। पॉइंट बी पर कौन सा नंबर इंडिकेट होता है? तो स्टूडेंट देखो ये पॉइंट बी है, कितने पार्ट किए गए? 1 2 3 4, फोर पार्ट किए गए। आ रहा ना समझ में? ये देखो 1 ये 2 ये 3 ये 4। सो इसका मतलब ये बाय 4 तो है गारंटी के साथ। उसके बाद ये माइनस है तो माइनस तो होगा ही। अब यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि माइनस 10 बाय 4। ओके, आप डॉट्स काउंट भी कर सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माइनस 10 बाय 4 ये नंबर बताता है। उसके बाद है विच पॉइंट इंडिकेट्स द नंबर 1 3 बाय 4। 1 3 बाय 4 ये कौन सा नंबर बताता है? तो अब इसको पहले आपको सॉल्व करना होगा। 4 1 4 4 4 प्लस 3 7, और 7 बाय 4, तो 7 बाय 4 कौन सा नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7, ये है 7 बाय 4, यानी कि पॉइंट सी ये नंबर बताता है। और थर्ड है स्टेट वेदर द स्टेटमेंट द पॉइंट डी डिनोट्स द नंबर 5 बाय 2। पॉइंट डी 5 बाय 2 बताता है क्या? 4 है ना, तो 10 बाय 4 आएगा। तो 10 बाय 4, 2 2 4 4, 2 5 10, 5 बाय 2, ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी प्रैक्टिस सेट 1.1। होप करता हूँ आपका वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो। टिल देन बाय।